हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोगों ने मुझसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा फॉर दी ड्राई हेयर रेमेडी या ड्राई हेयर के लिए कोई ऐसा मास्क विच इज़ वेरी इजी टू मेक। एंड सिंस अब आपके पास बहुत टाइम होगा आजकल अपने स्किन केयर पे ध्यान देने का, तो जो आप इजीली विद दी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट एट होम राइट नाउ ऐसा हेयर मास्क जो आप बना सकते हो, आज मैं उसकी बात करूँगी। बहुत ही सिंपल सा हेयर मास्क है, हेयर मास्किंग के साथ साथ आपकी हेयर ऑयलिंग भी हो जाएगी। तो ये 2-in-1 हेयर मास्क है, सो इट्स वेरी गुड फॉर हेयर केयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना इस हेयर मास्क को बनाना, और मैं आपको ये लगा के भी दिखाऊंगी। सिर्फ दो चीज़ें विच आई एम श्योर सबके पास होंगी। पहला है एलोवेरा जेल, तो आई थिंक ये सबके पास होता ही है। अगर ये पतंजलि वाला नहीं है तो कोई भी एनी एलोवेरा जेल जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस हेयर मास्क के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ हेयर ऑयल। तो अगर आपके पास पैराशूट का हेयर ऑयल है, अगर आपके पास कोई भी हेयर ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हो। आई हैव खादी मोरी यूशिका का हेयर ऑयल, तो मैं ये यूज़ करूँगी। बस इन दोनों चीज़ों से हम एक बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क बनाएंगे ड्राई फ्रिजी बालों के लिए। आपको मिक्स करना है ऑयल, तो पहले ऑयल डाल दीजिए। मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग करूँगी, सो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑयल हियर। एंड देन यू विल ऐड एलोवेरा जेल टू इट, एंड नाउ यू हैव टू मिक्स इट। एंड दिस हैज़ टेकन जेल फॉर्म, तो इसको अच्छे से मिलाइए ताकि जो लम्ब्स हैं वो ना रह जाए। आई एम एडिंग मोर एलोवेरा जेल टू इट। Because it's going to be a heavy hair oiling with hair mask. I have removed all the lumps, and this is how my hair mask for heavy hair oiling looks like. जैसे आप हेयर ऑयलिंग करते हैं उसी तरीके से इस हेयर मास्क को लगाना है। सिंस जो बाल हैं वो एंड पे ड्राई होते हैं, तो हम एंड वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको लेना है मिक्सचर अपने हाथों पे, ये देखिए, एंड देन कीप अप्लाइंग इट ऊपर से नीचे, जैसे आप हेयर ऑयलिंग वगैरह करते हैं उसी तरीके से। अगर ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, देखिए। और फिर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके इसको अप्लाई करना है। हम टिप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और रूट्स पे एकदम एंड में जो बचेगा वो लगाएंगे, क्योंकि रूट्स वैसे ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेयर ऑयली, लाइक रूट्स गर्मियों में वैसे भी बहुत ऑयली हो जाते हैं, तो हम फोकस अभी एंड्स पे कर रहे हैं बिकॉज एंड्स ज़्यादा ड्राई रहते हैं। इससे दो फायदे होंगे, आपकी हेयर ऑयलिंग भी हो जाएगी एंड आपकी हेयर केयर भी हो जाएगी। मतलब हम सोचते हैं कि ऑयलिंग करेंगे तो फिर ये हेयर पैक वगैरह कब लगाएंगे, इतना टाइम होता नहीं है। सो दिस इज़ लाइक 2-in-1। आपने ऑयलिंग भी कर ली एंड आप बालों को नरिश भी कर लिया, और अपने ड्राई फ्रिजी वालों के लिए एक हेयर मास्क भी बना लिया। तो यस, If you're feeling creative, you can add lemon to it. Lemon add करने से अगर आपको dandruff का issue है तो वो भी solve हो जाएगा इसी hair mask में, तो yes वो भी आप कर सकते हो। My first side is done, I'm going to focus on my second side. तो इस So guys, this is what you will look like a girl dipped in oil once you are done with your hair masking and hair oiling. तो अब आपको इसे close to half an hour रखना है, and अगर ज़्यादा रख सकते हैं तो well and good, अगर आप overnight रख सकते हो तो it will give you best results. इसे normal अपने hair shampoo और conditioner से धो लीजिए अपने बाल, and the results will amaze you. Trust me, you will thank me after that. तो अगर dry frizzy बाल हैं, ये वाला solution, ये वाला hair oiling का तरीका ज़रूर try करिएगा। And मैं आपको भी hair wash करके भी दिखाती हूँ after some time. तो मैंने अपना hair wash कर लिया है and this is how my hair look like right now. और time हो गया है मुझे hair wash किए हुए, मैंने mask almost like पूरा दिन लगा के रखा था, तो मैं तो 6-7 घंटे लगा के रखा था। आप जैसा चाहें उसे वैसे लगा सकते हैं एंड जितनी फ्रीक्वेंसी में चाहें लगा सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगी अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं तो आप हेयर ऑयलिंग जब जब करें उसे उसी तरीके से करें जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, एंड आपको लगेगा डिफरेंस। बालों के एंड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे,
तो प्लीज इसे ट्राई करके देखिए घर पे एंड डू लेट मी नो कि आपको ये मेरा हेयर मास्क कम हेयर ऑयलिंग कैसा लगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आप ऐसे कौन से और आइडियाज या वीडियोज हैं जो देखना चाहेंगे, तो आई विल ट्राई टू शूट देम फॉर श्योर. ऑलराइट, बाय, आई विल सी यू अगेन.